दोस्तों आज से करीब 15 दिन पहले भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक नोटाम जारी होता है और यह वार्निंग 3000 किलोमीटर के एरिया में जारी की गई। दरअसल भारत यहां पर एक परीक्षण करने वाला था। सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रिडिक्शन इस परीक्षण को लेकर की थी कि भारत यहां पर इस मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। बहरहाल ये कन्फर्मेशन भारत की तरफ से आती है कि भारत यहां पर अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करेगा। लेकिन जिस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा वो यह थी कि भारत यहां पर MIRV तकनीक से लैस अग्नि मिसाइल का परीक्षण करेगा। इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और हमारा पड़ोसी चीन बुरी तरह से बौखला गया। दोस्तों चीन के ग्लोबल टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि चीन कितना ज्यादा परेशान था इस परीक्षण को लेकर। दोस्तों 23 सितंबर यानी कि आज से 3 दिन पहले यह टेस्ट होना था, लेकिन भारत 23 सितंबर को कोई परीक्षण नहीं करता और ऐन मौके पर भारत द्वारा इस परीक्षण को रोक दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी का एक हैरान करने वाला बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम यहाँ पर ऐसा कोई भी परीक्षण नहीं करने वाले थे। दोस्तों उनकी यह बात किसी को भी हजम नहीं हुई। सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या भारत चीन के दबाव में आकर इस परीक्षण को रोका या फिर अमेरिका ने भारत को ऐसा करने से मना किया। दोस्तों पहले शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर क्यों अग्नि 5 को लेकर इतना बवाल मच रहा है और वो चीन जिसके पास खुद DF-41 मिसाइल है जिसकी रेंज 15000 किलोमीटर है वो इस परीक्षण को लेकर इतना घबराया हुआ क्यों था। दोस्तों इसके दो प्रमुख कारण है। पहला, अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और ये चीन तक मार करने में सक्षम है। इसकी जद में आधी दुनिया आती है, ये यूरोप तक मार कर सकती है, लेकिन ये इतना बड़ा कारण नहीं है क्योंकि भारत इसका पहले भी टेस्ट कर चुका है। जो मेन वजह है वो पहली बार भारत द्वारा इसमें उपयोग की जाने वाली MIRV तकनीक है। भारत ने ये ऑफिशियली कभी नहीं माना कि उसके पास ये तकनीक है, मगर अग्नि 5 को लेकर जो टेस्ट हो रहा था उसमें ये साफ कहा गया था कि इसमें MIRV तकनीक का उपयोग होगा और अगर भारत इस परीक्षण को कर लेता तो भारत MIRV तकनीक वाले उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ जाता। दोस्तों MIRV तकनीक का मतलब होता है जब एक ही वॉर से दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह किया जा सके। अग्नि 5 में MIRV तकनीक का यूज कर एक ही मिसाइल से दुश्मन के कई ठिकानों पर परमाणु बम गिराए जा सकते हैं। अभी अगर भारत किसी पर परमाणु बम से हमला करना चाहे तो एक अग्नि मिसाइल से भारत केवल एक ही स्थान पर परमाणु विस्फोट कर सकता है, लेकिन अगर भारत MIRV तकनीक से लैस अग्नि मिसाइल को दुश्मन पर छोड़ता है तो वो एक साथ 10 जगह पर परमाणु बम गिरा सकता है, यानी कि 10 मिसाइलों का दम एक ही मिसाइल में, और यही कारण था चीन की परेशानी का। हालांकि चीन के पास खुद भी ये तकनीक है और पाकिस्तान के पास भी ये तकनीक मौजूद है। तो आखिर क्या वजह है कि DRDO ने इस टेस्ट को नहीं किया? दोस्तों रूस, अमेरिका, चीन और भारत के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे लेकर भारत को यह कदम उठाना पड़ा। सवाल यह है कि क्या रूस ने अपनी तकनीक का डर दिखाकर यह परीक्षण रुकवाया या अमेरिका ने भारत को पीछे हटने के लिए मजबूर किया, क्योंकि पिछले साल भी G7-1 की लॉन्चिंग को ऐन मौके पर रोकना पड़ा था और उसमें अमेरिका की ही साजिश बताई जा रही थी। G7-1 भारत की खुफिया सैटेलाइट है और उस समय भी चीन काफी ज्यादा फड़फड़ाया हुआ था और पाकिस्तान भी US के आगे इसे रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उस समय काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन तभी ऐन मौके पर एक फोन कॉल आता है और उस लॉन्चिंग को रोक दिया जाता है। दोस्तों मुमकिन है कि इसके पीछे भी अमेरिका की ही कोई साजिश हो, क्योंकि जब से बाइडेन आए हैं तब से चीन को लेकर अमेरिका ने नरमी बरती है। वहीं चीन ने इसकी लॉन्चिंग रुकवाने के लिए बकायदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियम और कानून कायदे भारत को बताने लगा था। अग्नि 5 के 7 टेस्ट अभी तक किए जा चुके हैं और ये सारे टेस्ट सफल रहे हैं। अग्नि 5 को 2020 में सेना में शामिल करने की योजना थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी टेस्ट में देरी हो गई। माना जा रहा है कि जल्द ही इसे अब देश की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल किया जा सकता है। इस कमांड के तहत ही सभी मिसाइलों का संचालन किया जाता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइल शामिल है। दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर देने जा रहा हूं। दरअसल DRDO चीफ ने इंडिया टुडे से बात करते हुए ये बताया कि भारत अब आने वाले 20 दिन में अग्नि मिसाइल का टेस्ट करेगा। दोस्तों आप इस आर्टिकल को स्क्रीन पर देख सकते हैं और इससे जो मुझे एक वैलिड रीजन अग्नि मिसाइल के परीक्षण को रोकने के पीछे लगता है वो ये है कि UN जनरल असेंबली में इस मुद्दे को पाकिस्तान और चीन जैसे देश उठा सकते थे और ठीक 24 तारीख को इमरान खान की स्पीच भी UN में थी। इस वजह से हो सकता है कि भारत ने इस टेस्ट को ना किया हो। ऐसा दोस्तों मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और 20 दिन में होने वाले अग्नि मिसाइल के इस टेस्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।